हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं ना अभी बहुत पागल बनी हुई हूँ क्योंकि मैं नहा ही नहीं हूँ। मैं ना आपको एक चीज दिखाने वाली थी कि चीकू की करामात देखो। 3 दिन से ना मेरे हस्बैंड गए हुए थे अपने होम टाउन, तो मैं घर पे अकेली थी और इन तीनों की टेक केयर मैं पूरी 100% खुद कर रही थी। वरना मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी उनके पास टाइम होता है, मॉर्निंग की वेजेस उन्हीं के पास, मतलब उन्हीं का जिम्मा है। और जैसा आप लोग सब जानते हो जो मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हो, सबको पता है कि चीकू मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेरे से सिर्फ मतलब वाली प्यार है उसका। तो देखो उसने क्या किया है, मैं ना ये आपको दिखाना चाहती थी। मेरी नई बेडशीट का सत्यानाश कर चुका है वो लड़का। और मैं बैक कैमरा करती हूँ पहले, ये देखो। वरना आपको पता है कि चीकू कभी बदमाशी नहीं, वो रहा लड़का, ये बदमाश बच्चा। इसका हाइडिया उस बेड के ऊपर रखा गया है क्योंकि विंटर आ गए हैं और इसको बेड पे ही सोना होता है। इसको हाइडिया मिले तो इसको ज्यादा बेटर लगता है। ये देखो, ये मतलब मेरी नई चादर है। कैन यू बिलीव गाइस, ये देखो कल की हालत है। ये मैंने चादर हटाई भी नहीं क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड आए तो उनको दिखाना था मैंने। ये देखो मतलब नई चादर है ये मेरी, आप बताओ ये हाल है। अदरवाइज ये कभी नहीं करता, ये देखो। और सारे खाया वाया नहीं है, कुतरे ने मतलब कुतर कुतर के ना फेंक दिए नीचे, खाता नहीं है ये। तो ये हालत है। एक्चुअली क्या है ना, ये अगर इसको मेरे हस्बैंड नहीं दिखते हैं ना तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये इरिटेट हो जाता है बहुत ज्यादा। अभी देखो क्योंकि अभी सफाई चल रही है ना, मतलब मैंने सोचा थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग तो हो ही जाए। ये देखो अभी ऊपर ही सो रहा था। चीकू तुम कहां घूम रहे हो, वो देखो तो अभी थोड़ा सा सफाई वफाई चल रही थी। और ये इतना हीरो है ना, इसको अगर मेरे हस्बैंड नहीं दिखते ना तब भी चीजें करता है, अदरवाइज ये बहुत गुड बॉय है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि चीकू को च्यूइंग टॉयज नहीं पसंद, चीकू को कुछ भी नहीं पसंद। ये देखो इसको सब सब चीजें दे रखी है, ये भी हल्की सी इसने च्यूइंग की है। वो दोनों तो बहुत इंजॉय करते हैं इन सब चीजों का, चीकू थोड़ा कम करता है इंजॉय इन चीजों का। उसको बस मेरे हस्बैंड चाहिए, पैकिंग चाहिए, मतलब लाड प्यार वाला टाइप में चाहिए। तो गुस्से में इसने चादर पूरी काट दी है। मैंने कल फिर अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया, मैंने कहा भैया तुम जल्दी आ जाओ वरना ये घर का और भी सामान तोड़ देगा। कल इसने मेरे को और मेरी मेड को खूब भगाया भगाया बोले तो, मतलब मेरे को तो पता है कि इसका नेचर है कि इसको गुस्सा आता है तो गुरु गुरु करता है, जैसे डॉग गुर्राते हैं ना वैसे ही गुर्राता है। और मेरी मेरी जो मेड थी वो कल बेचारी डर गई, कह रही अरे भाभी इसको हटाओ, पता नहीं क्या हो गया इसको, देखो ये यही बैठा हुआ है, मैं वीडियो बना रही हूँ। वो भी इसने, ये सिर्फ गुस्से में कुतरता है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप ना चलो, इसके अकॉर्डिंग ये कमरा नहीं सेट हो तो ये गुस्सा करेगा करेगा। ये देखो चीकड़े के बच्चे, चीकी की बच्ची, गंदी बेबी। ये देखो गंदी बेबी कहाँ जा रही है। मैं बैक कैमरा करती हूँ थोड़ा सा, मैं चीकू को भी दिखा देती हूँ। और अभी मैंने टनल वाला ना सब बेड के ऊपर रखी है क्योंकि सोच रही हूँ थोड़ी सी ना डस्टिंग करूं। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, मैंने अपने वॉल पे कुछ फोटोज लगाई है वो भी दिखा देती हूँ। और देखो इसकी मस्ती हो रही है। ये लिटर बॉक्स कम यूज करता है अपने बेडरूम की, बट आज इसने लिटर बॉक्स भी यूज की थी। माइट भी इसको 9 बजे या 9:30 के बाद शुशु पॉटी आया होगा, वरना ये इसको 9:30 के बाद नहीं आता है क्योंकि मैं रूम का डोर बंद करके बाहर चेरी मफिन को ओपन करती हूँ। तो अभी क्लीनिंग चल रही है और ये दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं भाई साहब, अभी तक सो रहे थे। मैं आपको ना बैक कैमरा करके इसका थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या कर रही है अभी। ये रहे हमारे चीकू जी। चीकू अभी तो सफाई हो रही, क्लीनिंग हो रही है बाबू, दरवाजे पे तुम्हारा जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता अभी। बाहर चेरी घूम रहा होगा ना। और ये देखो अभी सारा, मैं सोच रही हूँ विंटर वाला इसका स्टफ बिछा दूं सारा। तो लिटर बॉक्स मैंने क्लीन कर दी है। लिटर बॉक्स में मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि इसकी लिटर बॉक्स में मैं पप्पी पैड बिछाती हूँ क्योंकि चीकू को अगर लिटर पैलेट होती है ना तो वो उसमें जाना पसंद नहीं करता, वो दोनों चले जाते हैं, मतलब सबका अपना नेचर होता है। इसकी लिटर बॉक्स में हमेशा मैं पपी पैड ही बिछाती हूँ। ये भी मेरे स्टोर पे अवेलेबल है, ये भी मेरे स्टोर पे अवेलेबल है, लिटर पैलेट भी है। मतलब जो भी आपको रैबिट से रिलेटेड चीजें लेनी है ना मेरे स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। प्लस मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आपको लेने में आसानी हो जाएगी। और ये ना मेरा चीकू जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्रीशियस है, ये बंदर है, मंकी है, ये मंकी है। ये मंकी देखो कहाँ कहाँ जा रहा है क्योंकि अब इस मंकी को सारे काम करने हैं, एक्टिव हो चुका है ये। और अगर इसको पता चल गया ना दरवाजे के उस साइड चैरी है तो ये दरवाजा नहीं छोड़ेगा। अभी इसको पता नहीं चला चैरी दरवाजे के पीछे होगा नहीं। बाबू इसको सबसे अच्छी चीजें मिलती है फिर भी इसको कदर नहीं है। इसको अच्छा वाला बेड दिया है, चैरी मफिन को मैंने सैंपल बेड दिया जो पहले सैंपल आया था, उनको मैट्रेस भी मैंने नहीं दिया अभी तक। मैं सोच रही हूँ कि कल परसों तक सारा थोड़ा सा इनका विंटर वाला सेटअप कर दूंगी। आज मैंने इसका जो ब्लैंकेट ब्लैंकेट था वो निकाल लिया है, सोच रही थी लोकल मार्केट जाके और भी कुछ लेकर आऊंगी सामान, मतलब ब्लैंकेट लेकर आऊंगी स्पेशली। तो बस यही था। ये देखो
चेरी तो अभी भी आप जाओगे ना, आपको रूम में वो बेड पे सोया मिलेगा, उसको इतना पसंद है अपना बेड। हेलो चिकू, सबको हेलो बोलो बेबी, चिकू सबको हेलो बोलो ननू। तो आप मिल लीजिए मेरे चिकू से, और आई होप आप लोग सब सेफ होंगे। दिवाली की सेफ वाली वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, बहुत लोग अभी भी क्वेरी कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज आप थोड़ा सा ना वीडियोस में जाकर पुराने वीडियोस चेक करो, दिवाली की विंटर वीडियो प्लस ये सारी जो कॉमन वीडियोस है ना, ये सब आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगी। आप देखो मुंह क्लीन हो रहा है इसका। तो आई होप आपको ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दी व्लॉग्स बनाया करो, व्लॉग्स हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो चादर फटी हुई है पहले तो वो दिखा दूं कि भाई आप लोग सब नहीं, मेरे साथ भी ये सब इश्यूज होते हैं और हर बच्चा ये बदमाशी करता है। तो कोई बात नहीं यार, जहां बच्चे होते हैं वहां ये बदमाशियां होती हैं। इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। तो इनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना, इनके ऊपर कभी गुस्सा। ये देखो अब पप्पी हो रही है, ये देखो ओले ओले ओले, इन्नी छाली पप्पी कौन करता है, इन्नी छाली पप्पी कौन करता है, चीकू कब बंद करता है इन्नी छाली पप्पी। चीकू मतलब ही है, चीकू मतलब ही है, क्योंकि चीकू को सिर्फ मेरे हस्बैंड से मतलब है। चीकू मतलब ही बच्चा है, इस घर का सबसे मतलब ही लड़का है चीकू, चीकुड़ा। ये देखो ये देखो, देखो क्या हो रहा है, चीकड़ू चीकड़ू। चीकू निकलो, सब आपसे मिलना चाहते हैं बीबी, निकलो निकलो, सब आपसे मिलना चाहते हैं। ननू ननू अभी क्लीनिंग होने दो, क्लीनिंग होके मैं आपका अच्छे से पूरा सेट कर दूंगी। मैं सोचू थोड़ा सा चीकू दिखा दूं आप लोगों को। चीकू आपकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है स्लाइडर पे, चीकू आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है स्लाइडर पे बेबी। एक्चुअली मेरी लॉबी है, लॉबी में ना मैंने कबूतर वाली जाली लगा रखी है, बट फिर भी मैं नहीं जाने देती हूँ चीकू को वहां। मेरा सुपरविजन होगा तो ही जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। आप लोगों को पता है। अरे ये फोटो बहुत अच्छी आएगी, मैं साथ साथ मेरा फोटोज भी क्लिक कर लेती हूँ इसकी। तो आई होप गाइज आपको मेरा ब्लॉग, अपने आप सबको और अपने फरी बेबीज का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. To be